देवर्षि, हम राउर विवाह के शगुन लेके स्वयं यक्षलोक जा रहल बानी। कृपा करके ए सामग्री के स्पर्श करी। अवश्य माते, अवश्य। माते, हमार रउआ से एगो अनुरोध बा, कृपा करके ही ई पत्र रउआ हमार प्रिय सुमुखी तक पहुंचा दी। सत्य के शीघ्र अति शीघ्र सामने आए आवश्यक बा, अन्यथा परिस्थिति बिगड़ जाए। तू का कर रहा है? रबल अंकल, रवा हम के हिसाब से बचेले रहनी ना, इससे हम राउर स्केच बनावत बानी। स्केच? स्केच का हो खेला? स्केच मतलब पेंटिंग, तस्वीर। जब हमार ड्राइंग पूरा हो जाए ना, तब हम रवा के देखा दे। लो, फिर तू खड़ा होके बतिया रहल बड़, जाके आराम कर। नाना संतुषी जी, हम ता यहाँ इतात पर से आए रहनी की धैर्य जी से मिलनी और उनकरा से पूछ लें कि और कोनो कार्य शेष बा का। आगे कोनो कार्य नहीं खे करे के, बस आराम करे के बा, उहे तो हर काम बा, ठीक बा? चले जा। जी, अच्छा बा। तू का कर रहल बाड़ू? देखिए आंटी, हम प्रबल अंकल के पेंटिंग बनावत बानी, जब पूरा हो जाए हम रवा दोनों के देखा देब। ठीक बा, ऐसे ही अभ्यास करत रह। हम तनी तुहार अंकल के कॉफी देके आवत बानी। धरे सर। हाँ? ओ प्रबल रवा के ढूंढत बा, शायद कुछ काम पूछल चाहत बा रवा से। कॉफी? एक बात बताओ संतोषी। प्रबल हमेशा हमरा से ही काम कहे पूछेला? शायद रवा से काम सीखल चाहत होके। हम का सिखाई होके? गार्डनिंग कैसे कर जाला वो सिखाई, कि घर के साफ सफाई कैसे कर जाला वो सिखाई। एनीवेज कॉफी अच्छा बनल बा। अच्छा तो हम हर चीज बनावे नी, राउरे ध्यान थोड़े देर से जाला। हाँ सही कहा तड़ो, का करे तेरी स्लो बानी ना। बाकी का फर्क पड़ेला, तू बाड़ू ना जिंदगी में, जब तक तू बाड़ू हमारा सारा काम झट से हो जाला। झट से ना, फुर्र करके। फुर्र कई के इकावा? फुर्र करके वो कहा ना, जब हम छोट रहनी ना तो हम के ऐसे फुर्र करके बोले की आदत रहल। जब भी केहू कहत रहल कि जल्दी से हमार काम कर दे, तो कहत रहनी कि हम काम कर दे फुर्र करके। पर जब शादी करके एक घर में आई नी, तो हम खास ध्यान रखत रहनी, ये शब्द रवा सामने ना निकले के चाहे। अगर हम रवा सामने फुर्र करके बोले तो रवा हमके चिढ़ाई। फुल कॉमेडी बाड़ू तू, बिल्कुल बच्चन जैसन। वैसे भी घर में दो बच्चा रहलन, पॉलिमिका रुद्राक्षी, ऊपर से आ गया तीसरा बच्चा हमार प्रबल भोला बच्चा, और तू चौथा बच्ची। और ये चारों बच्चन के जो जिम्मेदारी बना वो हमके ही संभाले के पड़ेला। फुर्र कई के प्रबल, तू प्रत्येक कार्य संतोषी के पति से पूछ के काहे कर रहल बाड़ा? दीदी, सब हम ये खातिर कर रहल बानी ताकि कोनो बहाने से उधैर्य के यहाँ से बाहर ले जाई और धूप में ले जाकर ओकर वध कर दी। किंतु प्रत्येक बार ऐसन करे से ओके तहरा पर संदेह हो सकेला, ऐसे तू कुछ ऐसन करा कि उ स्वयं ही बाहर आ जाए। सत्य कहनी रहुआ दीदी, राउर आज्ञा के पालन होगी। सर
पटाखे। भक्त लोग, काल रात के बड़की भौजी के सपना में संतोषी माँ फिर से प्रकट भेली और वो बड़की भौजी के फिर से आशीर्वाद देले बाड़ी। यही वजह से बड़की भौजी अब संतोषी माँ के पक्का वाला भक्त बन गई बाड़ी। यह से मोह माया से भी दूर रहे वाली बाड़ी। अब से जे भी चढ़ावा आई ओके उ हाथ न लगे हैं। बंद आग से उ समझ जाइए कि के कितना श्रद्धा से कितना चढ़ावा चढ़ाई ले बा और वही हिसाब से उ संतोषी माता तक राउर बात पहुंचा दी। मोह माया से दूर रहल तो बहुते अच्छा बात बा। बिल्कुल ठीक कहानी रहुआ। बोला दक्षा देवी के जय जय संतोषी माता। चढ़ावा तो चढ़ावा भैया, ऐसे थोड़ी ना होगी। हाँ एगो काम करा सब लोग, आग जेबा वो बंद कर ला और अपन मन के बाद जेबा संतोषी माँ तक पहुँचा दा। हाँ ठीक बा। संतोषी माता के जय। संतोषी माता के जय। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। संतोषी माता के जय। माते का भेल माते के? तू यक्ष लोक से अभी तक काहे ना लौटली? पता ना कौन माया भी हमार पुत्र के एक प्रकार प्रेम जाल में भ्रमित कैले बा। हमके शीघ्र ही कोनो मार्ग ढूंढे के होगी। माते समस्त सामग्री ई यथावत कैसे आ गई? का भेल माते का भेल? देवर्षि उहे भेल जे हम रउआ से कहले रानी। रउआ साथे छल भेल बा काहे कि यक्ष राज के सुमुखी नाम के कौनो पुत्री ही नहीं खे। ई असंभव बा। असंभव बा माते, असंभव बा। ऐसा नहीं क्या हो सकत? प्रतीत हो खतबा, प्रतीत हो खतबा माते राउर कथन असत्य बा। काहे कि रउआ हमार और सुमुखी के विवाह नहीं की चाहत। हमार सुमुखी हमसे अत्यधिक प्रेम करेली। वो हमरा साथे भला छल काहे करिए? छल रउआ हमसे कर रहल बानी माते, हमार सुमुखी ना। हमार सुमुखी अवश्य आई है। आज हम एगो प्राण ले पानी, हम स्वयं के कक्ष में बंद कर दे और तब तक बाहर ना आई जब तक हमार प्रिय सुमुखी स्वयं आके कक्ष के दरवाजा ना खोली है। देवी संतोष, देव ऋषि नारद पर ए माया के अत्यधिक प्रभाव पड़ल बा। रघुआ सत्य कह रहल बानी ब्रह्मदेव, हमनी के शीघ्र ही ए षड्यंत्र के खंडित करे के होगी। हाँ देवी संतोषी, प्रेम जाल एगो ऐसन माया है, यदि वो अनुचित उद्देश्य से जीवन में आ जाए तो वर्तमान और भविष्य सब कुछ नष्ट हो जाए के अत्यधिक संभावना हो केला। इरवा काका तनी देवी, हम सत्य कह रहल बानी देवराज। देवर्षि के भयंकर महाजाल में उलझावल गई बा और प्रश्न ई उठत बा कि यदि यक्षराज के कौनो पुत्री ही नहीं थी तो देवी पौलमी ई काहे कहली कि सुमुखी उनकर सखी हैं। एही से कि उस सुमुखी के द्वारा देवर्षि के भ्रमित करवा सकस। देवी संतोषी अति उत्तम, रहुआ हम पर आरोप लगावे के एक को अवसर ना छोड़ी। तनिक हमके भी बताई
ऐसन का शत्रुता बा रउआ हमरा से और ऐसन का असत्य कह देले बानी हम। देवेश, हम स्वीकार करत बानी कि सुमुखी हमार सखी बाड़ी, किंतु यक्षराज के सुमुखी नाम के कौनो पुत्री नहीं थे। किंतु हम कब कहनी कि यक्षराज के कौनो पुत्री हमार सखी बाड़ी। यदि देवर्षि नारद असत्य कहले ताए में हमार का दोष। सत्यता ई बा देवेश कि देवी संतोषी के सदैव हमरा से प्रतियोगिता रहेला। एही से ऊ प्रत्येक समस्या खातिर हमके ही अपराधी मानेली। पूछी इनका से कि का ई हमार अपराध सिद्ध कर सकेली। देवी संतोषी, बिना प्रमाण के रहुआ देवी पॉलीमी पर कौन आरोप ना लगा सके नहीं। पहले रहुआ प्रमाण लाई ओकरा बाद अपन बात रखी। यदि ऐसन बाइंद्रराज तो हम रहुआ समक्ष प्रमाण के साथे उपस्थित होकर। देवी पौलमी, देवी संतोषी के आरोप में कितना सत्यता रहे? तनिक भी ना देवेश। देवर्षि नारद काम के पीड़ा से वशीभूत होके ई सब कार्य कर रहल बाड़े और रउआ तक ज्ञात बा कि ई हमार विभाग भी ना बा। क्षमा करी देवी, किंतु सत्य के ज्ञात करे खातिर हमरा की प्रश्न करे के पड़ल। धन्यवाद देवेश जे रउआ हमरा पर विश्वास कईनी। धैर्य जी, अगर हम के इतना कार्य कर देख ले ले तो वो यहां जरूर रही है। और प्रबल फिर से काम करे लगल। अगर इतना ज्यादा काम करब तो तू कबो ठीक ना हो पाईब। शरीर के थोड़ा आराम देवे के चाहिए, समझ ले। चलो जा अपन कमरा में, खाना खा लिया और दवाई खा के थोड़े देर आराम करियो। आपर कार्य पूर्ण कैले बिना हम अंदर नहीं खे जा सकत। हमके शीघ्र ही कुछ करे के पड़ी। संतोषी जी, हम का कहत रहनी कि हमके अंदर बहुत घुटन हो खेला, यही से हम यही रहब। रहुआ भोजन कृपया करके हमके यही दे दी। लेकिन प्रबल, रहुआ हमार बात मानी ना, अंदर हम बीमार जैसे महसूस करेंगे। तो की केहू ना समझा सकेला, हम हूँ ना। ठीक बा, यहीं बैठा हम तो हर लखाना यहीं लेके आवत बानी। जी जे हमरा और स्वयं चल के आ रहल बा। प्रबल, ए समय सूर्यदेव ऊपर की ओर बढ़ रहल बाड़े, ए ही से तहरा कुछ समय खातिर प्रतीक्षा करे के होखी। जी दीदी। प्रबल, तू फिर से गर्मी में काम करा था ना, तू हमरा क्या बताइए था कि तोरा के धूप से इतना प्यार का है बा? का लगाओ बात होके? जी धैर्य जी, यदि हम रहुआ के बताइब ना तो रहुआ हमरा पे हसब। अब ना हसब, बतावा था सही। जी उब हमके रोशनी और
परछाई बहुत पसंद बा। हम बचपन में परछाई से बहुत खेलत रहे। देखी ना, जब हम रोशनी में आवे नहीं तो कैसे हमनी दूदू हो जाएनी ना। एगो परछाई और एगो हम। और धैर्य जी, परछाई के साथे हम बहुत कुछ खेल भी सकेनी। रउआ के बताई कैसे? देखी, जैसे ही हमार परछाई बा और ई हम बना देनी मछली। देखी देखी देखनी रउआ। और अब देखी, अब हम कैसे चिड़िया बना बतानी। ई बन गई चिड़िया। और कबू कबू तो हम ऐसे ऐसे करके ऐसे हिरन भी बन जात रहे। अच्छा अच्छा, बस 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 बस, समझ गए हम। ये लड़का बड़ा हो गया लेकिन अगर बचपना अभी तक ना गई। पागल भाई, सच में यही कारण वर्ष हमके परछाई और रोशनी बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल बच्चा बड़ा तो कसम से तनी सा भी। खैर तू काम करा आपन और धूप एंजॉय कर। चला कदाचित उचित समय नहीं खे भाई, हमके कुछ समय और प्रतीक्षा करे के होगी। समय हो गइल बा किंतु प्रबल के आलस समाप्त ही नहीं खे हो रहल। प्रबल जाके संतोषी के पति के वध कर दा। हाँ दीदी, हम अभी अपन लक्ष्य पूर्ण कर पानी। अब का खोज रहल बाड़ा? धैर्य के वध करे खातिर हमको न शस्त्र ढूंढ रहल बानी। आंटी, हम पेंटिंग बना लेनी। अच्छा देखावा। आंटी, हम उनके ना ऐसन करत देख ले रहनी। वो बहुते स्ट्रॉंग बाड़े, वो ना ट्री के भी उठा के पटक सकत बाड़े। अच्छा बनल बा। का धरती लोक पर जाके तुहार बाहुबल समाप्त हो गइल बा? ना तो। प्रबल, तोके अपना ऊपर विश्वास तो बा ना? हम रउआ के अभी एकर प्रमाण दे पानी। फिर जा, जाके संतोषी के पति के वध कर दा। धैर्य के आभास भी नहीं किए कि एकर मृत्यु डबल पांव एकर ओर बढ़ रहा बा। क्या करता
धैर्य, तोहर जीवन लीला आज इहे समाप्त हुई। छोड़ हमके। प्रबल, धैर्य सर के साथे का करत बाड़ा, छोड़ा उनके। प्रबल, हम तो से बात करत बानी। प्रबल, धैर्य सर के छोड़ा। हम कहनी ना, छोड़ा धैर्य सर के। प्रबल, छोड़ा हमके। प्रबल, जदि हम शीघ्र कुछ ना कहनी तब पूरा भेद खुल जाए। कैसे हो गई? अवश्य बहन पोलोमी के ये बड़ी, अन्यथा आज संतोषी जी हमरा पकड़ ही ले होती। कमाल बड़ा यार तू, अगर ऊपर से गमला गिरत रहते बता देता यार तू हमके, ताकत लगावे के का जरूरत रहे? जेकरा पास जोन रही उहे लगाई ना। खैर जोन बेबा, तू बाहुबली बन के जोन हमार जान बचेले बड़ा ओकरे खातिर थैंक यू। धन्यवाद। इस सेवक के मुख के भाव इतना विचित्र काहे बा? क्षण भर तो हमके लगल कि वो संतोषी के पति पर वार करे वाला बा, लेकिन क्षण भर के बाद वो ओकर रक्षा कर देलस। हमके ज्ञात करे के पड़ी कि अंततः के ह। अच्छा, बल्कि तो सही समय पर आ गेल और धैर्य सर के बचा लेला। अगर तो समय पर ना आई तो पता ना का हो जाई। तो बहुत अच्छा बाड़ा। अच्छा भैल कि तू हमने की जिंदगी में आ गई ल। जब भूख लगी हमके बता दी हो। और एक बार फिर से धन्यवाद। चले। हाँ। I can't believe दुनिया में आजकल ऐसा भी लोग बड़ा संतोषी। सही कह नहीं रहुआ, बहुत अच्छा इंसान भाई। ऐसा प्रतीत होता कि संतोषी जी के हृदय में हमरा प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहल बा। देवर्षि, राउर ई कृत्य से संपूर्ण देवलोक चिंतित हो रहल बा। कृपा कर कक्ष से बाहर निकली और सुमुखी के यहाँ ले आई। हम राउर ब्याह सुमुखी के साथ ही अवश्य करवाए। देव ऋषि नारद, जब हम राउर ब्याह की अनुमति दे देले बानी और देवी संतोषी हमरा ओर से संकल्प ले लेले बाड़ी, तब रउआ अपना आप के बंदी बना के काहे रखले बानी? देवी संतोषी, प्रतीत होत बा कि देव ऋषि नारद के हट के तोड़े खातिर हमनी के और भी प्रयास करे के पड़ी। वैसे एक काम खातिर हम तीनों देवी लोक के भी आमंत्रित कर देले बानी। ब्रह्मदेव, ई प्रकार हम तीनों देवियन के अकस्मात बुलावे के कौनो विशेष प्रयोजन? देवी लोग, देव ऋषि, हम राउर विवाह के शगुन लेके स्वयं यक्ष लोक जात बानी।
समस्त सामग्री ऐसे यथावत कैसे आ गई? का भइल माते का भइल? रउआ साथे छल भइल बा। आज हम एगो प्राण लेत बानी, हम तब तक एक कक्ष में स्वयं के बंद कर दे और तब तक वापस ना आए जब तक हमार प्रिय सुमुखी स्वयं आके ही कक्ष के दरवाजा ना खोले। देवर्षि, जब देवी संतोषी रउआ के संकल्प देले बाड़ी तो वो राहुल ब्याह अवश्य करवाई है। रउआ उनका साथ है सुमुखी के पास जाए। हाँ देवर्षि, हम आपन कथन से पीछे ना हटब। देवर्षि, हम तीनों देवियन देवी संतोषी के वचन बद कहले बानी, एक हाथी रउआ व्याकुल मत होगी और बाहर आ जाएं। देवर्षि, हमार बात पर विश्वास करी, कृपा करके द्वार खोल दी। माते, माते हम शीघ्र अति शीघ्र अपन सुमुखी के समक्ष जाई चाहत बानी, कृपा करके रुआ चली माते, चली। देवऋषि नारद मोह माया में ए तरह बंधल बाड़े कि ना ही सत्य के देख पा रहल बाड़े और ना तक केहू पर विश्वास करत बाड़े। हमके शीघ्र ही ए माया जाल के भेदे के पड़ी। प्रत्यक्ष रूप से हमार कार्य के प्रबल के ही पूरा करे के पड़ी। एक खातिर हमके ओसे संपर्क साधे के पड़ी। कितना सुंदर लागत बाड़ी संतोषी जी। प्रबल तू बहुत अच्छा बाड़ा, हम तो हर काम से बहुत खुश बानी। प्रबल, प्रबल, स्वप्न से जागा और आपन काम पूरा करा, काहे कि सदैव हम तोहार रक्षा ना कर पाए। धन्यवाद दीदी, रउआ हमार रक्षा कैली ओकरा खातिर। तू हमार भाई हवा, ऐसे हम तोहार रक्षा करेनी, किंतु हमके ई ज्ञात नहीं के होत कि संतोषी के देखते ही तू ओकर पति के काहे छोड़ देला। हमरा स्वयं समझ नहीं खे आ रहल बा दीदी कि हमरा हो का गेल। जब भी हम संतोषी जी के देखी नहीं ना, हमार मन के भाव परिवर्तित हो जाला, हमार हृदय उनकरा प्रति कोमल हो जाला। मूर्ख, शत्रु से केहू प्रेम करेला का? प्रेम भाव के अपना मस्तिष्क से निकाल के शीघ्र अति शीघ्र अपन काम के पूरा करा। तो बहुत है अच्छा बाड़ा, अच्छा भइल की तो हमनी के जिंदगी में आ गई ला। प्रेम पे केहू के नियंत्रण ना होखेला दीदी, और सत्य कहीं तो अब हमार हृदय हमरा वश में नहीं खे, बिल्कुल भी ना। संतोषी जी, प्रणाम पितामह। सदैव प्रसन्न रहा। माते, हमने के अधिक विलंब ना करे के चाहिए, अधिक विलंब अनुचित होगी।
चली माते। प्रतीत होत बा देवऋषि देवी संतोषी के साथे सुमुखी से भेंट करे जात बाड़े। हमके ओके सावधान करे के होखी। देवऋषि नारद के बुद्धि वो मायावी स्त्री के प्रेम में पड़ के भ्रष्ट हो गई बा। हमके तो चिंता ए बात के बा कहीं प्रेम में बह के कोनो अनुचित कार्य न कर दे। रउआ व्याकुल मत होखी ब्रह्मदेव, देवी संतोषी के विवेक कोनो अप्रिय कार्य ना होखे दी ही। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। हमके चूना लगा के अपने बनारस से पान खाए के सोचती है छटकी। अबे कसवाद बिगाड़त है। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। भक्त लोग, माई हमके अभी ये बतौली कि माई के सूते के समय हो गई बा, ते रउआ लोग अभी घरे जाएं और सांच के फिर दर्शन खातिर आ जाएं। चला माता के सूते के समय हो गए, हमने के अब उनके अधिक परेशान ना करेंगे चाहिए। जी, जय संतोषी माँ। हाय दैया, अच्छा खासा चढ़ावा आवत रहल। ये दीदी के अभी नौटंकी करे के रहल। हाय दैया दीदी, अब एक बात पूछी कि तोसे माता कब बोल देली कि माता के सुते के समय हो रहल बा अभी। छोटी आँख खुलल रहल ना, तब बेटा हम तहर करते पकड़ सके नी। कहा हमार चढ़ावा के पैसा। हाय दैया दीदी, तुहार पैसा कैसे हो गई? देखा हमार पर्सा, हमार पैसा हाँ पहले से रखल रहा, हम करो तुहार चढ़ावे में से ना लेनी। अरे छोड़, तोर कमाई कहाँ से हो गई? एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। बहुत पानी, हमार पति के खून पसीना के पैसा हमके पहले लाके दे ले रहन, अपन पर्स में रख ले है, हम दोनों तुहार चढ़ावा में से ना लेनी है। अरे लहले बाड़ू, हम अपना आंख से देख ली, एक चवन्नी नाजेब हम कॉले रानी, छोड़ हमार पैसा, छोड़ छोड़ के। अरे हमार, अच्छा हमके चुटकी बोलत बाड़ू, जे हमार सारा जेवर पहन के संतोषी माता बन के बैठल रहलू, उनका भक्त बन के, तब हम तोके चुट्टी ना दिखत रहनी। तू ही देहले रहलू हम मम्मी का। अरे छोड़ो के भक्त बनाए खाते नहीं ना करना, हम देहले रहला। अरे माधुरी, तू चुप रहा। अरे तू हाथ देहले रहला। अरे चुप रहा बेटा, यही से ना मानी हम कैसे बात करने के पड़ी कर। अच्छा चुप रहा तू, चोर चोर कहीं के चुप रहा तू सब लोग। अच्छा खबरदार, जे तू हमरे बेटा के कबो कुछ कहलू तो चोर तू ना। हम के थप्पड़ मर ले। अरे 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 खोज के कुछ करी है हम कौन यहाँ रहे वाला बाड़ी। हम भू चल जाए कानपुर अपने मायके। अम्मा अम्मा, ये का हो रहल बा दादी, घर में का करी बोली? अरे अरे बेटा, ये हमरा से नहीं समझे वाला बाड़ी, तू जल्दी से संतोषिया के फोन करा और ओके कहा जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए, उहे इनके संभाल पाए। हाँ हम करता नहीं करता नहीं करता नहीं करता नहीं, फोन फोन। गुड्डू भैया के फोन है। हेलो। अरे जल्दी जो हेलो बनी है। संतोषी दीदी, हम बोलो था। गुड्डू भैया, अरे घर में बहुत बड़ा बावल हो गई बा, तोहर सख्त जरूरत बा। का होता पीछे बतावा। अरे दादी रुआ बात। अरे तू जा, बोलत बड़ो तू बड़ो छोटा। अरे जहां गया है दादी, का होत बा घर में? मिठिया ई दोनों तो घर छोड़ के जात बाड़ी, बस तू ही इनके संभाल सकेलू, अब जल्दी से यहां आ जा। झगड़ा हो रहा बा ई दोनों में। हां हां रुआ चिंता मत करी, हम आवत बानी। काबिल संतोषी,
दादी के फोन रहल। घरे ताई जी और चाची के बहुत लड़ाई होत बा। बात तनी आगे बढ़ गेल बा, हमके घरे जाए के पड़ी, उनसे संभलत नहीं की। ठीक बा, चल जा। एक काम कर जा, जो ही रुक जल्दी हमनी। हाँ ठीक रही। एक काम करे तानी, हम पर्स लेके आवतानी। ये अच्छा अवसर बा, हम भी धैर्य जी के साथ चल जात बानी। वहां इनकरा मारे के अवसर हमके अवश्य मिल जाए। उत्तम, अति उत्तम, भव्य सुंदर। देवऋषि, का ये है सुमखी के महल? हाँ माते, ये हमार प्रिय के महल बा। के बानी देवी रहुआ? देवी, हम उन्हीं सुमुखी के संबंधी बानी। रहुआ जाके सुमुखी से कहीं कि देवर्षि नारद पितामह से अनुमति लेके आयल बारे और द्वार पर उनकर प्रतीक्षा कर रहल बारे और उनके शुभ समाचार देहल चाहत बारे। हैया, आज तो दीदी हद कर दिली। हम कहे देत बानी, आज तो हम उनके ना छोड़ब। ए माधुरी, तनी शांत हो जा। हमरा रहते तो के फिकर करे के का जरूरत बा? तू देखा हम बड़की भौजी के कैसे टाइट टाइट फिस करत बानी, हवा निकालत बानी अभी। अरे आओ, अरे आओ, हम बतावतानी। ई तू पाखंडी हवे जन माता के चढ़ावा में से पैसा चोरौले बाड़े। जे धर्म के साथे खेला करे है ओके ता सजा मिले ही के चाहिए ना। ई लोग माता के साथे ही नहीं, तू लोग के भक्ति भावना के साथ भी खिलवाड़ कइले बा। ए लोगों के मार पीटे सबक सिखावा। अरे भैया बात तो सुना। ऐसे लोगों के छोड़ के ना चाहिए, मार इनके। अरे मैं बड़ा जा चढ़े। अरे रुका रुका रुका, शांत हो जाए, शांत हो जाए। गुस्सा होवे से कुछ ना होगी। अम्मा जी, ये दोनों हमनी के श्रद्धा हमनी के आस्था के साथ खिलवाड़ के लिए बड़े, वो हमनी के शांत रहे खातिर कहत बानी। हाँ दादी जी, हमनी के अपने मेहनत के चढ़ावा चढ़ौले रहनी और ये दोनों वो भी हड़प गई ले। ऐसे आज इनके हम छोड़ब ना। क्या मत छोड़िए हमारे इनके। रघुआ लोग शांत हो जाए, गुस्सा में आके कौनो गलत कदम मत उठाई। माता जी कृपा करके रउआ बीच में ना बोली। ये दोनों हमनी के धर्म और हमनी के भावना के अपमान कइले बाड़े, सजा तो ए लोग के जरूर मिली। ई ताई जी और चाची के झगड़ा में ना दादी परेशान हो गई। तू टेंशन मत ला, हम जाके ठीक कर दे वहाँ। धैर्य जी, संतोषी जी, रउआ लोग कहीं बाहर जात बानी ना, हम रउआ साथे चलब। प्रबल तू ना जाइब कहीं, वहाँ तो हर कोनो काम नहीं। नाना संतोषी जी, हमार मन नहीं खेला रउआ रउआ दोनों के बिना, हम रउआ साथे चलब। प्रबल का हट है, धरे से लेके समझाई ना हुआ, ये माहौल में कहाँ जाए। प्रबल प्लीज समझे के कोशिश करा यार, हमने घूमे ना जाता नहीं, हम कोनो काम से जाता नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट काम। कोनो भी काम से जा रहल बने, हम रउआ साथे चलब। तोरा के बात समझो नहीं, बात समझ भी नहीं क्या आवत कली ना, तुम्हारा कोनो काम देखे हुआ तू। संतोषी चिल्ला दा यार, एके जोन करे के बाद करे दा, तू आओ बैठा। हाँ रउआ लोग हमार बात नहीं के समझ रहल बानी। अरे रउआ लोग, हम ना जाए देव रउआ के, हमरा के ले जाए के पड़ी रउआ के। का कर रहल बाई, का बचपना बा, हमरा के अकेला मत छोड़ी। का करब अब, इतना जिद करत बात ले ली अपने साथी, नहीं तो आधा घंटा एक ही समझावे में लग जाए। अच्छा आवा आवा, आके बैठ जा। और कोनो चूक मत करिहा प्रबल, तू वहाँ संतोषी के घर उजाड़ा और हम यहाँ देवी संतोषी के मार्ग पर बाधा उत्पन्न करब। चली 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 चली, बहुत ही जिद्दी बाड़ा तू। ई बारी सो अवसर हमरा हाथ से ना जाई।
सबक तो इनके सिखावे के ही पड़ी। अरे रउआ लोग खड़ा का बानी, ई लोग पखंडी बाड़े, लालची बाड़े। ई लोग तू लोग के भक्ति भावना के मजाक उड़ेले बा लोग न। अरे ई लोग के छोड़ी हम सजा तो इनके मिले ही के चाहिए, सबक मिले ही के चाहिए इनके। आगे बढ़ा, मार इनके। आज इनकरा ऐसा सबक सिखावल जाई कि इनकरा जिंदगी भर याद रही। अरे अब काहे के छुप रहल बाड़ू, बाहर निकला। एक मिनट भाई साहब, रहुआ तो आगे बढ़ल जा रहा है। का मतलब पुलिस कानून वगैरह कुछ बाकी ना? अरे अरे एक मिनट, हम रहुआ के समझा रहे बानी। अरे यार रहुआ तो मतलब यहाँ का युद्ध जैसे वातावरण बनल बा। याद में ते चाचा चाची की जान ले ली है धैर्य से। कुछ करे के होके हमने के। प्रबल का कर रहे बड़ा छोड़ा उनके के भाई। के भाई कारे तोर इतना हिम्मत? प्रबल का करा तड़ा छोड़ा है के? प्रबल छोड़ा हो के? अरे ये तो बहुत शक्तिशाली बा, ये तो हम सबके मार दी। भागा भागा भागा। अरे क्यों के लग गए, का करता नहीं रहा वो लोग? सुनत काहे नहीं खेर वो लोग? का करी अब हम? ई लोग के शांत करे खाते हमके कुछ करे के होखी। माते रहुआ अकस्मात काहे रुक गई? नहीं चली ना? संतोषी माता के।
जय। माता के जय जयकार तो हो गए, लेकिन ये कैसन भक्ति बा जे साच ना देख पावे। संतोषिया, ये तो का कर रहल बाड़ू? सही कहत बानी दादी, रवा खुदे सोचे कि ऐसन कबू भइल बा कि धरती से अपने आप संतोषी मां प्रकट हो जास। आज तक भइल रहे जे होखी। बा बा बा, देखे भाई रवा लोग, ये संतोषिया अपना आप के संतोषी माता का सबसे बड़ भगत कहेली और आज इनके अपमान कर रहल बिया। अरे सबे दर्शन कैले बा, पूरा गांव दर्शन कैले बा, और ये बिया कि एके विश्वास नहीं के हो रहा है। औरत हमरा के बिल्कुल अच्छी नहीं खेला गत, ये संतोषी जी से कैसे बात कर रहल बाड़ी? ताई जी, जे सच्चा भक्ति करेला वो जानेला कि भगवान एक तरह ना मिले ले। चाचा जी, रवा बताई का भेल रहे, ये ताई जी के कमरा में संतोषी मां कैसे अचानक प्रकट हो गयी? हाँ, हम बतावत बानी। आज दोपहर के हम के संतोषी माता दर्शन देली और वो बोली कि अब वो हमारे घर में प्रकट होके वाली बाड़ी। ये घड़ा देख रहल बाड़े ना, एमे से पानी पूरा रात भर बूंद बूंद टपकी और जब पानी खत्म हो जाए तो संतोषी माता प्रकट होगी। अब भैया तू लोग काल सवेरे आ जाइए। अब काल या तो माता के दर्शन होगी या तो हमार बड़की भौजी के माथा पर बर्तन फूटी। देख ला चमत्कार, अंदर आ जा। यदि कमरा में ताला लाग गए रहे तो ताई जी जरूर पहले से कुछ कहले होखी हैं। होखे ना होखे मूर्ति के राज जमीन में ही गड़ल बा, ना तो मूर्ति के निकलल नामुमकिन बा। ताई जी, रवा अच्छा से जानत बानी लोग के जे दिखत बा वो साच ना हो, और साच खाली रवा जानत बानी। देखी ताई जी लोग के भावना के साथ खेलवाड़ कैल गलत बात है, बता दी ही ना साच का हो। संतोषी बा, अब तू बहुत बड़ भक्त हो गई बाड़ू, अब तो संतोषी माता पर शक कर बू, उनके चमत्कार के झुठला है बू। चमत्कार के झुठला रहल बा? और कैसन चमत्कार? जे भगवान के सच्चा भगत हो खिलाना वो भगवान से चमत्कार के आशा ना करस ताई जी, बल्कि खुद चमत्कार करे ले। और साज का बार वो अच्छा से जानत बानी, अभी बताई की सच्चाई रउआ बताई। हीरा और सच्चाई के हम सबे के सामने लेके आई। कौन सा सच तो बता दीबू सबके? अरे दुनिया में खाली एक के सच्चाई बा, संतोषी माता के दर्शन बस। ठीक बताई जी, रवा अगर हमरा पास ये रास्ता छोड़ ले बानी तो ये सही। अब हम सच्चाई के पता लगावत बानी। चाचा जी, कहाँ प्रकट भइल बाड़ी संतोषी माँ? चली सब लोग उहें चलल जाओ। वाह 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 वाह, बाव बोली भैया रवा भी। ए ने 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 ए ने आओ रवा सब चलो देखल जाए। सांभम को ना झूठ बोल बाड़ी, माता साथ साथ दर्शन देली, हम काहे झूठ बोलिया। अच्छा अच्छा चल चल देखल जाए। ये कमरा रहे, यहां से निकल रहल वो मूर्ति। ई देख संतोषिया, माता के मूर्ति, माता के चमत्कार। अरे हम झूठ ना बोले नी, माता हमारे सपना में आयल रही और खुद अपन प्रकट होके के बात कहले रही, और हम तो यहाँ कमरा में भी ना रहनी। रात भर इसना पूरा गांव वालन के सामने दरवाजे में ताला लगेले रहले और चाबी भी उनके पास रह। ताई जी बता दी ही ना का कहले रही, कहाँ से आयल मूर्ति? अरे का कहले हम का बताई? अरे तो के विश्वास का ही नहीं के आ रहे के माता दर्शन दे ली है, माता की कृपा भइल बा हमरा पर। माँ हमके क्षमा करब, रवा के राउर स्थान से हटा रहल बानी, लेकिन हमके अगर सभी के सामने की सच्चाई लावे के बा तो हमके ही करे के होखी। Thank you.
लागी अनाथ कर दे रहे भगवान। सही कह रहल बानी दक्षा जी, ये रहुआ मूर्ति उठा के सही ना कहनी। ये तरह माता की मूर्ति के हटाएल माता के अपमान कइल बा। एक मिनट, कमाल के लोग बानी रहुआ, भक्ति विश्वास से ना बल्कि अंधविश्वास से करेनी। रवा लोग के सच्चाई जाने के बाना तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ली ही, सच्चाई अपने आप सभी के सामने आ जाए। प्रबल तनी एने आई बा, जहाँ से हम माता के मूर्ति निकलनी है ना, जरा वहाँ खुदाई कर बा। सुन संतोष, यही कहाँ कर रहा है बाड़ तू, एक तो माता की मूर्ति हटा दे लो, ऊपर से उनका स्थान के भी। चना कहाँ से आ गई? चना आयल नहीं खे, बल्कि लाल गलबा। चना? अच्छा। अच्छा ये रहे प्रेशर कुकर लगा ले रहे अंदर। कई चमत्कार रहे ताई जी। हम रवालों के बतावत बानी का भेल होखी। ताई जी पहले यहाँ खुदाई कहली और फिर ओमे ऊ चना दबेली और ओकर ऊपर फिर मूर्ति रख ली और ऊपर यहाँ कलश बांध के ऊपर पानी डाले खातिर छोड़ देली। बूंद बूंद करके माटी भिंजल और चना के भिंजला से माता के मूर्ति ऊपर आ गई और सभी के लागल की माता की मूर्ति स्वयं प्रकट भेल बा। का ताई जी ऐसे ही कहले रही ना? ऐसा तो कुछ नहीं कहे नहीं हम। अब मूर्ति तब प्रकट भइल बा, अब पूरा गांव के बस करी ना ताई जी, कितना झूठ बोले ब्रवा। अरे माँ के भक्त लोग के सच्चा रास्ता दिखावे ले, ऐसे लोग के भावना से खिलवाड़ ना करे ले। और रवा लोग के पास भी दिमाग देखे का इनकर बात में आ गई नी। एको बात बताई, रोज अखबार पढ़े नी सबेरे सबेरे, रोज ऐसा खबर छपेला कि पाखंडी सब कैसे लोग के बेवकूफ बनाई ले। अक्सर ऐसे लोग करे ले, कबो चना डाल के तो कबो चावल डाल के मूर्ति निकाले ले। बाकी कैसे रहवालों के समझाए कि माता इसे प्रकट ना होकस। ये महिला हमनी के भक्ति के मजाक बना ले बिया, एक हमनी छोड़म ना। कैसन महिला बानी रहुआ, रहुआ ये सब करे से पहले एक को बार ना सोचनी कि हमनी के दिल पर का बीती। आज से हमनी सब केहू रहुआ से बात ना करब। सही कहत नहीं रहुआ, जौन महिला धर्म के नाम पर समाज में गलत संदेश पहुंचाए, समाज होकर बहिष्कार करेला। एक मिनट रुकी तनी, कितना आसान बना रहुआ लोग खातिर, ऐसे केहू के साथ छोड़ देल, बात कल छोड़ देल, समाज से निकाल देल, लेकिन कबो अपना और देख ले बानी कि रहुआ का करेंगी। मन्नी की ताईजी ढोंग कैली, लेकिन रहुआ लोग का कहनी। और किशोर भाई रहुआ ये अंधविश्वास फैलैली था, पीछे पीछे के भागत रहे रहुए लोग ना। रवा लोग भी तो समझदार बानी ना, कोना बच्चा तो ना, आपन समझ से काम लेवे के चाहत रहे। चल पड़नी इनकर बतावल रास्ता पर। इको बात बताई, आज ताई जी ऐसन काम कैले बाड़ी, कल दूसर करी परसों तीसर करी, तका सबसे बात कल छोड़ दे, बहिष्कार कर दे बुनकर समाज से। मूर्ति तो बस एको पत्थर के हो खेला, लेकिन हमनी के भावना वो मूर्ति के भगवान बना देला। हमनी के अपन भावना के पवित्र रखे के चाही, अपन सोच के अच्छा रखे के चाही, अपन कर्म अच्छा करे के चाही। संतोषी माँ के भक्त के अंदर संतोष और धैर्य होके के चाही, इतना गुस्सा ना, शोभा ना देवे। ए तरह से केहू के बहिष्कार कइल, ए तो हमनी के केहू नहीं के सिखैले। अपना अंदर तनी झांक के देखी, माँ का हमने के अंदर खूबी, माँ हमने के अंदर संतोष, कर सकत बानी इनके माफ। संतोषी, आज रहुआ हमने के आँख खोल देली, आज तक हम उनकर पूजा करत आईली जे दिखाई देली, लेकिन ईश्वर की आराधना तो सिर्फ मन से हो खेला, हमी जान गई।
अच्छा भइल बेटी तू आ गइलू। ना तो ई दक्षा के दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुकल रहल। गुड्डू भैया रउआ, लेकिन रउआ भी ना समझ में आयल का। रउआ के तो इतना समझदार समझत रही, लेकिन रउआ ताई जी के बात में आ गई नहीं। अरे संतोषी दीदी, अब हमरा लगल संतोषी माता के आशीर्वाद बा शायद बड़ा अम्मा पर हो गेलो की, और कहा बताई हम। कमाल बा गुड्डू भैया, इतना पूजा पाठ करे नी लेकिन भक्ति और पाखंड के बीच के अंतर ना समझ पाई नी रउआ। वैसे संतोषी सही कहता डी, ठीक बा मानता नहीं गलती हो गई, लेकिन दोबारा ऐसा गलती मत करिए, ध्यान रखिए। माते माते रुआ के प्रति नेकी औकात के आवश्यकता से अधिक समय हो गेल बा, और सुमुखी कोनो संदेशा ना भेजोली। धैर्य रखी देवर्षि, सुमुखी जदि सुमुखी होखी तो वो अवश्य आई है। वो रुआ से प्रेम करेली, रुआ के आशा ही ना करी है। जदि सुमुखी आई तो हम ओकर वास्तविक रूप पहचान ले। रउआ भले ही ओकर माया से ग्रसित पानी, किंतु हम सत्य ज्ञात कर सकेंगे। का भेल? ऐसे मुस्कात का है बानी? देखा था नहीं। का? यह कि हमार छुई मुई बीवी के अंदर एगो झांसी के रानी बड़ी। झांसी के रानी? आज तो इतना स्ट्रॉन्ग इतना बोल्ड अवतार देख के ना हम तो सरप्राइज हो गए। नहीं ऐसे तो कुछ ना कही नहीं, हम तो बस साज के साथ देते रहनी और कुछ ना। वैसे सच के साथ देहल भी बहुत बड़ा बात बा, बहुत बड़ा। पता बा संतोषी, I am very lucky कि हमके तोहरा जैसन पत्नी मिलल। अच्छा तो संतोषी जी के तारीफ अति पसंद बा, हमरा इनकरा हृदय में जगह बनावे खातिर धैर्य जी से भी अधिक कुछ करे के होगी। वैसे किस्मत वाला था हम हूँ बानी कि हमके इतना तारीफ करे वाला पति मिलले। जे पत्नी से करे प्यार, वो तारीफ से कैसे करे इनका। कुछ भी। अच्छा सुनिए अभी देरी हो रहा है बाय से सूझ जाए। अच्छा यहाँ पानी नहीं के तो हम रवा खातिर पानी लेके आवत बानी, सूझ जाए। प्रबल अभी ले जागल बाड़ सुतला का है ना, और हाथ में काले के घूम रहल बाड़। उरवा काले रहने ना संतोषी जी की कली ना तोड़े के चाहिए। तब ई देखी, ई हम फूल तोड़ने वाली उवी केवल रउआ खातिर। बाकी काहेला प्रबल? आज जौन रउआ कहीं नहीं ना, वो हर केहू ना कर सकेला। सत्य कहीं तो हम रउआ के बहुत ही सीधा साधा समझत रहनी, किंतु आज जे राउर अवतार देखे के मिलल हमके, बाप रे प्रसन्न भइनी हम। वह अवतार खातिर रवा खातिर हम फूल लाइल बनी तीले। हाँ धन्यवाद। ई तो उहे सब बात करत रहे जो थोड़ी देर पहले हमरा से धैर्य सर करत रहले।
देवी पौलमी, हम देवर्षि के तो संभाल ले, बाकी देवी संतोषी उनका से असत्य कैसे छुपाए। देवी यदि देवर्षि के ज्ञात हो गए कि हमने उनका साथे छल कैले बानी तो वो हमने के श्राप दे सकेले। व्याकुल मत होखा, हमरा रहते तहरा कुछ ना होखी। देवी रति हमरा खातिर रउआ सुमुखी बानी और अपन लक्ष्य तक पहुँचे खातिर रउआ बहुत परिश्रम कैले बानी, ऐसे हम रउआ के कुछ ना होखे देव। हम पूरा योजना बना लेले बानी, यदि देवर्षि के क्रोध आई भी तो हम कुछ ऐसन करब कि श्राप रउआ के ना अपितु राउर स्वामी कामदेव के मिली और उसे उनका लाभ ही होखी। किंतु श्राप से का लाभ हो सकेला? देवी रति रउआ पति के लगे काया नहीं खे, यदि देवर्षि श्राप भी दी है तो श्राप के पूरा करे खातिर काया के जरूरत होखी। देवर्षि नारद आपन ही बात में उलझ जई हैं और उनका श्राप मिथ्या हो जाए, यही कारण उनके तहार स्वामी के काया प्रदान कर ही के पड़ी। देवी रथी रहुआ इतना बड़ छल काहे कहनी हमरा साथे, कहे रहुआ सुमुखी बन के हमरा समक्ष ही नहीं कहीं। देवी रथी रहुआ मौन काहे बानी? सर्वप्रथम रहुआ अपन वास्तविक रूप में आई, विवाहित होके के पश्चात भी रहुआ एगो तपस्वी के तपस्या के भंग करे के प्रयास कैनी, क्षण क्षण प्रतिक्षण रहुआ मात्र हमरा साथे छल कैले बानी, छल उपहास कैले बानी रहुआ हमार प्रेम के, प्रेम जैसन सुंदर भावना के शस्त्र के भांति रहुआ प्रयोग कैनी। काहे देवी रथी काहे? देवर्षि जे कुछ भी भइल ओ में देवी रति के कोनो गलती नहीं खे, ई तो खाली अपन पति कामदेव के संकेत पर काम करत रहली। रहुआ के क्रोधित होके के बा तो रहुआ उन पर होखी। उचित कहनी रहुआ देवी पौलमी, हमार मंतव्य भी यह बा कि ए में देवी रति के कोनो भूल नहीं खे, उनकर पति के भी कोनो चूक नहीं खे, भूल तो राउर बा देवी पौलमी, अपराधी रउआ बानी रउआ। रउआ हमरा विरुद्ध षड्यंत्र रचले बानी षड्यंत्र, रउआ रउआ एगो तपस्वी के तपस्या के भंग करे के अक्षम्य अपराध कैले बानी। देवी रथी और उनकर पति कामदेव तो मात्र राउर संकेत अनुसार कार्य करत रहले, किंतु वास्तविक रूप से अपराधी रउआ बानी। कितना विश्वास कहनी हम रउआ पर और रउआ हमार विश्वास के छिन्न भिन्न कर देनी, काहे देवी पौलमी काहे? देवर्षि तनिक शांत हो जाए, राउरे छल से हम अपन अस्तित्व और अपन पिता के विरुद्ध चल गई, कष्ट पहुंचाई हम उनके पीड़ा देनी। देवर्षि रउआ के अवश्य ही कोनो भ्रम भइल बा,
कहे कि हम कुछ न कहनी। बस देवी पौलमी, बस आपन मर्यादा मत लांगी, अन्यथा हमार क्रोध के मर्यादा ना रही। और कवन भ्रम के बात कर रहल बानी रहुआ? हमके भ्रम भइल नहीं के, अभी तू आज हमार भ्रम टूटल बा। देवी पौलमी, विश्वास, वचन, हृदय और संबंध केहू के भी ना तोड़े के चाही। कहे कि टूटे में स्वर ना होखेला, अभी तू अत्यधिक पीड़ा होखेला। आज रहुआ कारण देवी पौलमी, रहुआ कारण। हम प्रथम बार अपन माता संतोषी से हट गई। जौना प्रकार मिथ्या भ्रम में भ्रमित करके रहुआ हमरा से हमार प्रभु के नाम भुलवा देनी, ठीक वही प्रकार राउर स्वामी, राउर प्रेमी देव राज इंद्र सदैव खाती रहुआ के भुला जाई है। ई श्राप बा हमार देवी पौलमी, श्राप। देवी पौलमी, हमार संवेदन रउआ साथे बा। हम आशा करत बानी कि ई दंड के पाके रउआ में तनिक बदलाव आए। माते, हम विवेकहीन होके रउआ साथे जौन अनुचित कहली, ओकरा खातिर कृपा करके हमके क्षमा कर दी माते। राव कौनो दोष नहीं खे, रउआ भ्रमित रही। देवी पौलमी के अंततः उनके कृत्य के दंड मिल ही गईल। देवर्षि जैसन तपस्वी के साथ उनकर ऐसन कृत्य कदापि ना करल चाहत रहे। वैसे अगर देवी संतोषी हस्तक्षेप ना करती तो देवी पौलमी अपने षड्यंत्र में सफल हो जाती। देवर्षि, हम रउआ से विनती करतानी, कृपा करके अपन श्राप वापस ले ली ही। हम सदैव राउर आभारी रहब। देवी पौलमी, एक क्षण रउआ हमरा से एक शब्द भी मत कही। यदि हमार क्रोध बढ़ गई तो हो सकेला कि हम रउआ के एक और श्राप दे दी। माते, कृपा करके चली वहां से। हमनी के छल करे वाला और मिथ्या कहे वाला के मध्य एक क्षण भी ना रहे के चाहिए। माते, चली। धन्य है देवी संतोषी, जो इतना बड़ घोर अनर्थ होके से रोक दिले। माते, हमरा कारण राउर अत्यधिक समय नष्ट भइल बा। कृपा करके रउआ अपन स्थान पर प्रस्थान करी। हमहू परम पूज्य ब्रह्मदेव के समक्ष उनका से क्षमा मांगे जात बानी। आज्ञा दी माते। दादी, एक बार जल्दी आई, रउआ आवे में बहुत टाइम लगा दी। रउआ जाने ताने कितना याद आवे। अब हम जल्दी आई। सच्ची? और भाभी रउआ तो बीच में आ जाइल करी। पक्का दीदी, हम जल्दी आई। हाँ, हम देखब। जीजा जी, वो हम रउआ से पूछल चाहता नहीं कि रउआ के यहाँ कोनो तकलीफ तो ना भेल। अगर तकलीफ भेल होके तो हम रउआ से माफी चाहता नहीं। गुड्डू अपने घर में क्यों के तकलीफ होके लाका, और तो के इतना फॉर्मेलिटी करे के जरूरत नहीं का, ठीक बा? वो हम ऐसे ही पूछत रहनी। मनुष्य भावना के अधीन होके कितना निर्बल हो जाला।
नाते राउर अनुपस्थिति में हम संतोषी के नया सेवक पर दृष्टि बनवले रही। वो आजकल संतोषी के बहुत प्रिय बन गेल बा। ओकर कौनो समरूपता मिलल रहुआ के ना माते? वो इतना कम बोलेला कि ओकर कोनो सूत्र ज्ञात नहीं के भइल। वैसे रहुआ हमके जितना बताइनी ओसे हमरा ई संदिग्ध प्रतीत हो रहल बा। दादी अपन ख्याल रखब। बेटा तू अपन ख्याल रखिए। हाँ प्रणाम असुरराज। पुत्री अच्छा भइल जे तू यहाँ पर आइलू, अन्यथा ई काल कोठरी में अंधकार के सिवा हमार साथ देवे वाला और केहू नहीं खे। का भइल पुत्री, तू आंसू काहे बहा रहल बाड़ू? काहे कि असुरराज हम निरंतर असफल हो जात बानी। देवी संतोषी देवर्षि द्वारा हमरा पर श्राप दिलवा देले बानी कि देवेश हमरा शीघ्र ही भुला जाएगी। हमार इंद्राणी पर संकट में बा। पुत्री हम बंदी बानी, यही से असुर लोक से तोहरा खातिर कौनो सहायता नहीं ले सकत। तोहके देव लोक से मिलल सुविधा के ही प्रयोग करे के होखी। तू अपन समस्या खातिर चिंतित मत होखा, अभी तू चिंतन करा, कौनो न कौनो मार्ग अवश्य निकल आई। सर्वप्रथम हम संतोषी के पति के समाप्त करब, उकरा पश्चात हम चिंतन करब। संतोषी तोरा पता बा सबसे ज्यादा सुंदर तू कब लागेलो? जब तू स्माइल करेलो बहुत सुंदर लागेलो। और हम ये भी नोटिस कर ले बानी कि जब तू अपन घर वालन से मिलो तो तुहार चेहरा पर स्माइल बहुत बहुत बड़ा सा आ जाला। ऐसे हम हर महीना महीना यहाँ आयल करा बाराबंकी तुहार घर वालन से मिले। संतोषी तू ऐसे सैड रहू तो हमरा से गाड़ी भी ना चली। अब का भेल तोहरा के? अच्छा ठीक बा, अब ठीक बा। ये उचित स्थान बा धैर्य के वध करे खातिर हम कौनो प्रकार एक वाहन रुकावत बनी। ये गाड़ी के अचानक का हो रहा बा? का भाई पता ना गाड़ी कहाँ बंद हो गई। के मारे खातिर उचित हा शीघ्र अति शीघ्र हमरा अपन कार्य समाप्त कर देवे के चाहिए।
से का भेल? अरे पता ना का भेल बाप, कुछ समझ में नहीं आवत। गाड़ी बंद हो गई बा, चक्करता नहीं बाकी। तब इस सुमसाम जगह में का करी? इ तुच्छ मनुष्य के मारे खातिर हमरा कोनो शस्त्र के आवश्यकता ना बा। इ मनुष्य के ता हम अपन बल से ही दू पल में मसल के रख दे। टेंशन वाला बात नहीं कि हमरे लगे एजेंसी का नंबर बा, हम उनके फोन करता नहीं। आसपास तक कोनो मैकेनिक मिले नहीं, वो मैकेनिक भेज दिए हैं यहां। ठीक बा। हेलो स्पीड अप। एक्चुअली हमार गाड़ी खराब हो गई बा, हम धैर्य मिश्रा बोलता नहीं। हाँ हमरा और रेगुलर क्लाइंट बानी। हमार गाड़ी खराब हो गई बा, लखनऊ से कुछ 15 किलोमीटर दूर बानी ना। आसपास कोनो मैकेनिक ने कहा हुआ कि भेज सके नहीं। टाइम लगी? कितना टाइम लगी? प्लीज रहुआ भेज दी, हम वेट करता नहीं यहाँ पर। डरे सर का कहलस? कलस की तनी समय लगी। एक्चुअली काफी दूर बानी ना हमने, लेकिन वो भेजा ताड़न। एगो काम करता नहीं, हम खुदे देखा था नहीं, अगर ओकरा ऐसे पहले गाड़ी ठीक हो जाए हमरा से तो अच्छा बात बा, चल चल जाए। हमरा शीघ्र अति शीघ्र का मारे के होगी। अगर कहीं सूर्यास्त हो गई तो हमार कार्य पूर्ण न होगी। अरे भाई साहब का हो गई, गाड़ी बंद पड़ गई का? हाँ एक्चुअली गाड़ी बंद हो गई बा। चिंता के बात नहीं खे, हमहू एगो मैकेनिक बानी। ऊ पास में एगो गाड़ी बंद पड़ गई रहलो के सही करे खातिर आइल रहनी। अब देखी नहीं इत्तेफाक से हम मिल गए नहीं, ना तो है रोड पर मैकेनिक कहाँ मिले ले। अरे ताहे ना प्लीज देखी ना गाड़ी के का भेल बा। बाकी भाई साहब गाड़ी ठीक करे के डबल चार्ज ले। हमरा ई मनुष्य के वाहन ठीक करे से रोके के होगी। धैर्य जी का बोलत बा? रउआ जेकरा बुलवले बनी ओकरा ठीक करे दी ना, दो गुना पैसा मांगत भाई। देखा प्रबल, तोरा के समझ में नहीं खियावा, ओकर का भरोसा आई कि ना आई। हमनी के गाड़ी यहाँ खराब बा, आखिर हमनी कब तक वेट करल जाए? ओकर गाड़ी खराब बा, हमनी के जाए के भी। किंतु धैर्य जी, दो गुना पैसा मांगा था, ये हमनी के परेशानी के फायदा उठावा था। प्रबल का फायदा, तेनी पैसा ज्यादा मांगा था। और का रउआ एक मिनट भाई साहब, पहले रउआ लोग डिसाइड कर ले कि गाड़ी ठीक करवावे के बा कि नहीं करवावे के। रउआ जाइए। प्रबल तू चुप रहा प्लीज। भैया प्लीज आके चेक कर ली, गाड़ी ठीक कर दी, हम रउआ के डबल पैसा दे दो। आई प्रबल मैकेनिक के अपन काम करे दना, ना तो लेट हो जाए। ई बार पुनः एकर भाग्य एके बचा लेलस, किंतु सर्वदा इसे ना होखी। धैर्य जी ठीक ना कर पाई। नहीं भाई साहब, अभी गाड़ी ठीक हो गई। वो बैटरी के दूगो वायर हो खेला ना, एगो वायर लूज हो गए रहा, ओके हम टाइट कर देनी, अब गाड़ी चालू हो जाएगी। अब गाड़ी स्टार्ट करनी रहुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना भेज रहा हूँ? 500 रुपया भाई। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया रहा जी। चलो बैठा जल्दी। का भेल? ठीक हो गई गाड़ी, और का भेल? संतोषी तोहर ताई जी के मेडिटेशन करे के चाहिए, बता दिया उनके। पता नहीं कहां से उनका दिमाग उल्टा सीधा चीज करे लगेला। करे के तो चाहिए, पता ना कहां से उल्टा सीधा ख्याल आवेला उनका मन में। कुछ ना कुछ उठपटांग हर कर करते रहेली। एक अवसर चल गई, अब शीघ्र ही दूसरा अवसर के निर्माण करेंगे होगी।